हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपके अपने YouTube चैनल VS कोचिंग सेंटर में मैं पप्पू चौधरी स्वागत करता हूं। तो आज जो है मैथ का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर वर्ग और वर्गमूल लेकर आया हूं, जो कि क्लास 8 के लिए, क्लास 9 के लिए, सबके लिए लाभदायक है। लेकिन यहाँ हम जो है मेन फोर्स यानी फोकस करेंगे क्लास 8 पे, ठीक है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का वीडियो इतना इंटरेस्टिंग होगा, अगर अच्छा नहीं लगे ना तो फिर जो है आप हमको अंत में जरूर कमेंट करके बताइएगा, सर आप अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। तो इसीलिए जो है आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप जो है शुरू से लेके अंत तक जरूर लगे रहें। अगर अच्छा नहीं लगेगा ना तो आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। जो भी नए हैं शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। जो जीरो लेवल से हैं आज उनको हम जो है वर्ग में और वर्ग और वर्गमूल में हीरो बना देंगे। तो विश्वास है आप लोग जो है शुरू से लेके अंत तक देखिए। तो देखिए दोस्तों, जैसे वर्ग और वर्गमूल, ठीक है, वर्ग और वर्गमूल, तो वर्ग यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो यहां देखिए ये चैप्टर का हेडिंग हो गया, ठीक है। तो हम लोग स्क्वायर के बारे में समझते हैं। स्क्वायर होता क्या है? किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त संख्या को वर्ग कहते हैं। यानी किसी संख्या को, चलो मान लो कोई संख्या है, जैसे कोई संख्या ए ले लिए, उसी संख्या को, किसी संख्या को उसी संख्या से, चलो ए से ही गुना करने पर प्राप्त संख्या, गुना करने पर प्राप्त संख्या, यानी ए गुना ए, ए गुना ए, ए स्क्वायर, ए गुना ए, ए स्क्वायर, तो प्राप्त संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। यही तो है वर्ग। अर्थात किसी संख्या पर पावर कितना हो? दो हो, तो उसको भी आप बोल सकते हो क्या? वर्ग बोल सकते हो, ठीक है। तो किसी संख्या पे पावर दो होगा तो उसको वर्ग बोल सकते हो। तो दोस्तों, जैसे यहां बोला गया किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर प्राप्त संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखो, जैसे यहां दो गुना दो अगर हम ले लिए तो कितना हो गया दोस्तों? दो पे पावर दो, तो इसका मतलब चार हो रहा है। कितना हो रहा है? चार हो रहा है। तो दोस्तों, इसी प्रकार अगर जो है हम वाई पे वाई गुना वाई कर दे, किसी संख्या को दो बार गुना पर करने पर प्राप्त संख्या क्या कहता है, क्या कहलाता है? उसका वर्ग कहलाता है। तो जैसे यहां है वाई स्क्वायर, तो आप देखो यहां ध्यान से, इसको हम लोग, आप तो घातांक में हम चर्चा कर ही चुके हैं, लेकिन फिर एक बार हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं पावर, पी ओ डब्ल्यू ई आर, पावर यानी कि घात, घात, ठीक है। और इसको हम लोग ए को, यानी कि जो ए होता है ना, जो नीचे वाला पोर्शन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार, आधार, ठीक है। तो ये आधार हो गया, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बेस। तो इसको हम लोग बेस बोलेंगे। अब इसको बोलेंगे, इसको पढ़ेंगे कैसे? तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे पढ़ा जाता है? इसको आप सपोज दैट आर ई ए डी, रीड कैसे करोगे? तो इसको रीड करना है ए टू द पावर टू, ए टू द पावर टू, ए टू द पी ओ डब्ल्यू ई आर, ए टू द पावर, ए टू द पावर टू, ठीक है। तो ए टू द पावर टू, और इसको हम लोग दूसरा तरीका से इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जो चैप्टर, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से पढ़ रहे हैं, पढ़ सकते हैं ए का, यानी ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ सकते हो? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इस तरह से, तो चलो इसको, ये जो है थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसको हम यहां लिख देते हैं। तो यहां बेस, बेस मतलब आधार हो गया, इसका मतलब जो है पावर हो गया। तो समझ गए होंगे आप लोग मेरे ख्याल से। तो जैसे अब आपका बोर्ड में, अब जो है हम अभी बताते हैं, एक मिनट, तो दोस्तों जैसे यहाँ लिखा गया है, यानी कि एक का वर्ग एक है, दो का वर्ग है चार, तीन का वर्ग है नौ, चार का वर्ग सोलह, पांच का वर्ग पच्चीस, छह का वर्ग छत्तीस, सात का वर्ग उनचास, इसी तरह से जो है आपका सबका वर्ग लिखा गया है। तो आप लोग एक बार जो है ना इसको देख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद हम जो है अभी आपको देने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग
थिंग, यानी कि आपको बहुत ही फायदा देगा। जैसे हम अभी बात करेंगे जो ट्रिक से कैसे निकालते हैं, ट्रिक से वर्ग मूल कैसे, सॉरी वर्ग कैसे निकालेंगे, ट्रिक से बड़ा वर्ग जो है चुटकी में कैसे निकालेंगे, इसी के लिए जो है ना बोलते थे मजा आ जाएगा। मजा नहीं आया तो फिर जो है बोलिएगा बाद में कॉमेंट करके जरूर। तो चलिए तो मेरे प्यारे भाइयों, जैसे अब यहाँ हम बात करने जा रहे हैं ट्रिक में, इसको हम लोग जो है इस तरह का स्क्वायर सबको हम लोग जो है किस तरह से ट्रिक से निकालेंगे। कैसे निकालना है हम लोग को, ट्रिक से निकालना है। तो देखिए आप लोग जो है बस 2 सेकंड में कैसे हम लोग जो है इसको निकालेंगे, तो 2 सेकंड में 5 सेकंड में कैसे निकालेंगे, तो आप बताओ यहाँ कितना हो गया 5 का स्क्वायर आप कितना लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब यहाँ कितना, इसका बगल वाला कितना है, 5 का बगल में कितना 1 है, ठीक है, 5 का बगल में कितना 1 है। 1 से 1 अधिक ले लो, तो 1 से 1 अधिक ले लिए तो कितना हो गया, हम 2 से ही 1 को गुना कर दो, 2 से 1 को गुना करो, 2 गुना 1 2, तो इसका मतलब कितना हो गया, 225 हो गया। अब 25 का हम स्क्वायर ले लेते हैं, 25 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। चलो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और उसके बाद इसका बगल वाला कितना है, 2 से 1 अधिक लो, 2 से 1 अधिक ले लिए, कितना, 3 को अब 2 से गुना कर दो, 3 को 2 से गुना कर दो, 3 गुना कितना हो गया, 6। अब देखो यहाँ 5, यहाँ अब जो है 5, 5 को कितना ले लिया, 25 ले लिए। अब इसका बगल वाला यानी 3 से 1 अधिक ले लो, 3 से 1 अधिक लोगे तो कितना हो जाएगा, 3 से 1 अधिक ले लेंगे तो 4, 4 से 3 को गुना कर देंगे तो 4 दिया 12, तो यहाँ कितना हो गया 12। अब जो है 45 है, तो यहाँ क्या कर लोगे, यह कितना है 45, तो 45 यानी 5 का आप कितना लिख लोगे, 25, 5 का कितना 25। अब देखो यहाँ 4 से 1 अधिक, यहाँ कितना हो गया 3, सॉरी 4 से 1 अधिक 5, 4 से 1 अधिक 5, 5 को 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, यानी कि 20 25। अब इसको ले लो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, तो चलो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ठीक है 25 हो गया। अब यहां जो है इससे एक अधिक, तो 5 से 1 अधिक लिए थे कितना हो गया 6, 6 को 5 से गुना कर देंगे तो 6 5 30। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है तो फिर लाइक करना, फिर जो है यहां इसको हम लोग इसी तरह कर लेंगे, तो किस तरह से कर लेंगे इसको, तो 5 को कितना हो गया 25, और 6 को इससे एक अधिक कितना हो जाएगा 7, 6 को 7 से गुना कर देंगे तो 6 7 42। अब देखो यहाँ 5 को 1 मिनट, अब जो है यहाँ जैसे कि अब इसमें हम बात करेंगे तो 5 का कितना हो गया 25 हो गया, ठीक है 5 का 25 हो गया। अब 7 से 1 अधिक लो, तो 7 से अधिक ये कितना हो गया 8, 8 को 7 से गुना करेंगे तो 8 7 56 हो गया, कितना हो गया 56। चलो अब हम थोड़ा बड़ा में आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं, ठीक है अब इसमें आ जाएंगे तो 5 का स्क्वायर ले लो, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। अब जो है 11 से 1 अधिक कितना हो गया 12, 11 से 1 अधिक ले लिए तो कितना हो गया 12, 12 गुना 11, तो 11 का पहरा 2 बार पढ़ो, 11 का पहरा अगर 12 बार लोगे ना, 22 का 2 हो गया और 11 और 2 13, तो यहां हो गया इतना हो गया। इस तरह से आप लोग जो इसको अपने से करोगे, ठीक है, हमको विश्वास है आप लोग जो है पूरा अच्छा से कर लोगे, ठीक है। तो हम वही उम्मीद रखे हैं, तो हमको विश्वास है जो आप लोग जो है बहुत अच्छे से करोगे। तो मजा आया फर्स्ट ट्रिक में, चूंकि हम बोले थे जैसे 2 सेकंड में निकाल के दिखलवाएंगे, तो 2 सेकंड में आप लोग निकालोगे, ठीक है। तो अमेजिंग वीडियो, वीडियो अच्छा लगे तो फिर शेयर करो, खूब दबा के शेयर करो, चारों तरफ शेयर करो, फैला दो चारों तरफ, ठीक है, ताकि आपकी तरह अच्छे बच्चे और सब हैं, सबको जानने का मौका मिलना चाहिए, सबको जानने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि अच्छा टीचर जो भी पढ़ाते हैं, अच्छा चीज़ पढ़ाते हैं, तो सबको जानना जरूरी है। तो दोस्तों यह हो गया आपका, ये हो गया। अब जो हम लोग सेकेंड ट्रिक में आते हैं, यानी कि नेक्स्ट ट्रिक 2 नंबर,
तो दोस्तों जैसे दूसरा ट्रिक है बहुत ही सिंपल और आसान। जैसे फर्स्ट ट्रिक था जो 1 सेकंड 2 सेकंड में आप जो है आंसर बना लिए, उसी प्रकार इसमें भी आप जो है कीजिएगा। जब किसी संख्या का दाहिनी अंक 5 हो, अब यहाँ क्या बोल रहा है, दाहिनी अंक 5 हो, उसमें क्या था, इकाई अंक 5 था, ठीक है। तो इकाही दाही हो गई, इकाही दाही, इकाही दाही, तो बोल रहा है दाही अंक कितना हो, 5 हो। चलो तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 होता है, कितना होता है 1, लेकिन इसको हम लोगों को लिखना है 0 1, कितना लिखना है 0 1, 10 से नीचे रहेगा तो हमको इसको 2 डिजिट में लिखना है, 1 होगा तो 0 1 लिखना है। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों, 5 का स्क्वायर 25 और इससे 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 26, कितना हो गया 26, ठीक है। अब देखो उसी प्रकार इसको हम लोग कर लेंगे, इसको कर लेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो इसको हम लोग 0 4 लिख लेंगे। अब 5 का स्क्वायर कितना, 25 और 2 कितना हो गया, 25 और 2 27 हो गया, ठीक है, तो कितना हो गया 27। अब जो है यहां हम लोग इसको देख लेंगे तो यहां 3 का स्क्वायर कितना हो गया 0 9, चलो 0 9। अब 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 25 को 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 25 में ये 3 को जोड़ दो, 25 में ये 3 को जोड़ दो, जैसे यहां सब में किए तो वही 25 में 3 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा यहां 28। अब यहां 4 का स्क्वायर दोस्तों 16 हो गया, इसमें 0 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, 2 डिजिट आ गया, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 में 4 जोड़ो 29। अब जो है इसको ले लो 55 का स्क्वायर कैसे बनाना है, 1 मिनट में देख लो, 55 इसका 5 का स्क्वायर 25 हो गया, बस इसका क्या बोले थे यहां, इसका स्क्वायर करके इससे जोड़ दो 25 और 5 कितना हो गया 30 हो जाएगा, 25 5 30। उसके बाद इसको कर लो, इसका स्क्वायर कितना हो गया 36 और 5 का स्क्वायर करके 6 से जोड़ दो, 5 का स्क्वायर 25 और 6 से जोड़ दिए, 25 6 31 यानी 31 31। अब जो है इसको कर लो तो कितना सिंपल लग रहा है, मजा आ रहा है, फिर जो है लाइक कर दो दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, ठीक है। अब जो है 5 का स्क्वायर करके 7 से जोड़ दो, 5 का स्क्वायर करके 7 से झट से जोड़ दो, 25 और 7 को जोड़ दिए थे कितना 32 हो गया, 25 7 को जोड़ दिए थे 32 हो गया। फिर जो है 8 का स्क्वायर करो, तो चलो ये 2 आपके लिए जो है बनाने का रहा, ठीक है। तो आप लोग जो इसको इस तरह से बना लोगे, तो हम लोग अब बात करते हैं अगला ट्रिक पे। तो जैसे कि नेक्स्ट ट्रिक हम लेके आए हैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही मजेदार ट्रिक, आप देखिए और इसके साथ जो है ना आनंद लीजिए और पढ़िए कस के। तो दोस्तों जैसे यहाँ कितना 2 1 है, यानी कि आप देख लो अगर 1 1 रहेगा तो इसका मतलब भी 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 1 है, कितना 2 बार 1 है, कितना बार है 2 बार 1 है, तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 2, ठीक है, उसके बाद फिर 1। नहीं समझ में आया, नहीं आया, अगला देखो 3। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 2 1 लिख सकते हो, यानी कि 3 बार बढ़ेंगे उसके बाद उल्टा काउंटिंग करेंगे, 4 है ना तो लगा लो 1 2 3 4 3 2 1, मजा आ रहा है क्या, अच्छा लग रहा है ना, ठीक। अब देखो यहाँ कितना 1 2 3 4 5 5 टाइम 1 2 3 4 5 4 3 2 1, अच्छा लगा इसको। अब दोस्तों मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, तो इसको और हम और 1 2 को होमवर्क दे देते हैं। चलिए इसको जो है आपको करके इसको ये तीनों को करके जो है आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर देना है, ठीक है। तो जो व्हाट्सएप नंबर आप लोग को दिया गया है उस पर जो है शेयर कर देना है। तो चलिए दोस्तों हम अगला ट्रिक पे बात करते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यह जो नियम है केवल और केवल 3 6 और 9 में लागू होगा, ठीक है। किसमें लागू होगा, 3 यानी कि 3 6 एंड 9 में जो है यह लागू होगा। तो देखिए दोस्तों बहुत ही आसान सिंपल मजा आएगा,
तो कैसे करेंगे हम लोग? देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, थ्री का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? नौ होता है। कितना होता है? थ्री का स्क्वायर नौ होता है। तो इसको हम लोग को एक संख्या में नहीं, दो संख्या में लिखना है, ठीक है? तो देखिए यहां कितना हो जाएगा, जीरो नौ। तो अब देख लीजिए, जैसे यहां है, यहां कितना है, थ्री है, थ्री का स्क्वायर है कितना है, थ्री का स्क्वायर। तो थ्री का स्क्वायर है ना, तो इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बोलो तो? जीरो और नौ इस तरह से हटा के थोड़ा गैपिंग में लिख देना, ठीक है? अब बताओ, नौ के, नौ से छोटा, नौ से एक संख्या छोटा, पहले ध्यान से समझ लो, नौ से एक संख्या छोटा, नौ से एक छोटा कितना हो जाएगा, एट हो जाएगा। और जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा कितना, वन, यही इसका आंसर है। अब इसको देखो, फिर से नहीं समझ में आया, इसको देखो, तो ये तीन का हम क्या लिख लेंगे, जीरो और यहां लिख लेंगे नौ, ठीक है? जीरो लिख लेंगे और यहां लिख लेंगे नौ। तो आप ध्यान से देखो क्या करेंगे हम लोग, तो यहां जो है, यह कितना, तीन डिजिट है ना, तो इसमें इसका दो डिजिट, यानी कि एक डिजिट का तो काम कर दिए, दो डिजिट बचा हुआ है। तो नौ का, नौ से एक कम, नौ से एक कम कितना हो गया, एट, एट दो बार हम लिखेंगे, ठीक है? अब जो है जीरो से एक अधिक, जीरो से एक अधिक, वन, वन, नहीं आ रहा समझ में? अब देखिए अगला, जैसे अब इसको जीरो और नौ यहां लिख देंगे, ठीक है? अब जो है यहां हमको कितना, तीन डिजिट बचा, तो तीन बार लिखना है, तो कितना, तीन 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 इस तरह से है। तो नौ से एक कम, नौ से एक कम कितना हो जाएगा, एट, एट, ठीक है? और ये भी एट हो गया, एट 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 हो गया। जीरो से एक अधिक, तो यहां कितना हो जाएगा, कितना, वन वन वन, यही तो आपका आंसर है दोस्तों, यही तो आंसर है। जैसे अब इसको आप देखिए, उसी प्रकार छह का स्क्वायर कितना, छत्तीस। तो यहां जो है सिक्स लिख देंगे और यहां लिख देंगे थ्री, यहां लिख देंगे सिक्स और यहां लिख देंगे थ्री। तो हमारे पास कितना संख्या बचा, सिक्स के बाद जो है एक ही संख्या बचा है, तो सिक्स से एक कम कितना, फाइव, फाइव। और थ्री से एक अधिक तो कितना, फोर, नहीं होगा। अब देखिए यहां इस तीनों में देखिए, यहां जो है कितना, इसका 36 हो जाएगा, तो इसका 6 हो गया और इसका क्या हो गया, 3 हो गया। क्या, इसका 6 हो गया, इसका क्या हो गया, 3 हो गया। तब ध्यान से देखिए, दो संख्या बचा मेरे पास, कितना बचा, कितना संख्या, दो संख्या बचा, यहां दो संख्या बचा। तो यहां 5, 6 से एक कम, 5, 5, और जाके 3 से एक अधिक, 3 से, 3 से एक अधिक तो कितना, 4, 4 लिखेंगे। उसी प्रकार इसको करो, चलो देखो, तो इसको करते हैं कैसे, इसको करो, चलो नहीं, इसको आप लोग करो, ठीक है? हम जो है देखते हैं, आप लोग करो और जो है कमेंट में इसको भेजो, ठीक? इसको भी कर लेना, इसको भी करना है, इसको भी करना है, हम जो है इसमें से एक करवा देते हैं, ठीक है? तो देखो इसको हम करवाते हैं। तो जैसे हम बोले हैं, क्या बोले हैं दोस्तों, यहां कितना, इसका यहां जो है 81, नौ का स्क्वायर कितना हो गया, 81, यानी कि 8, और यहां ले लेंगे 1। अब जो है इसके बाद कितना, दो डिजिट बचा, तो इससे एक कम क्या हो जाएगा, 0, 0, 1 से एक कम, और 8 से, ये 8 से एक अधिक, 8 से एक अधिक तो कितना, 9 हो जाएगा। तो 9 कितना बार, दो बार, दो बार इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहां इसके बाद दो संख्या बचा है, इसके बाद जो है यहां दो संख्या बचा, इसीलिए दो जीरो लिखे हैं। अब इसको अगर बनाएंगे तो किस तरह से बना लेंगे, तो यहां कितना हो जाएगा, 8, और यहां 1 हो जाएगा। तो यहां हमारे पास कितना संख्या बचा, तीन संख्या बचा। इसको कैसे करेंगे, तो देखो यहां कैसे इसको जो है वर्गमूल निकाल लेंगे, तो यहां हो जाएगा 1 से कम, तो 0 0 0 तीन बार लिख लेंगे। अब जो है 8 से एक अधिक, तो 1, सॉरी 8 से 1, 8 से, सॉरी 8 से एक अधिक, तो 9, 9, या तीन बार लिख लेंगे 9, तो 9। चलिए तो आपका ये आंसर आ गया। तो आपको इसको भी बना के जो कमेंट बॉक्स में भेजना है, इसको भी भेजना है, इसको भी भेजना है, इसको भी भेजना है। तो अगर ध्यान मजा आ रहा होगा तो मेहरबानी करके इस चारों मैथ का जो है आंसर करके आप जो है भेजिएगा, ठीक है? तो हम अगला में जो है बात करते हैं। तो दोस्तों अब जो है ये पांचवा ट्रिक है, बहुत ही मजेदार और जबरदस्त, यानी कि यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब सब में लगेगा, सब में लगेगा, सब दो डिजिट के नंबर में जो है आप इसको लगा सकती हो।
सब जो है दो डिजिट के नंबर में, यानी कि दो डिजिट के नंबर, जैसे आपका यह हम एक नंबर ले लें जैसे 15 हो गया, या आप बोल रहे हो 23 का सर नहीं बता 23 हो गया, या आपका 27 हो गया, या कुछ भी हो जाए, क्या हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो जाए, आपको जो है ना यह सब में लागू होगा। तो देखिए दोस्तों इसको बनाना कैसे है, इसको सबसे पहले इसका नियम क्या होता है, इसको b का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि ये लास्ट वाला का स्क्वायर हो गया। अब ये दोनों से गुना कर देंगे तो a गुना b ab हो जाएगा, a गुना b ab, और गुना करके दो से फिर जो है हम गुना कर देंगे दो से, यानी गुना करके ab को दो से फिर जो है हम लोग दो गुना ab, इस तरह से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। जब इस तरह से हो जाएगा तो अंतिम में a का स्क्वायर, अंतिम में a का स्क्वायर, नहीं आया समझ में, नहीं आया ना, देखिए एग्जाम्पल समझ में आएगा। जैसे इसी नियम से हम इसको बनाएंगे, किसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे, तो यहां कितना है दोस्तों 15 है, 15 है, तो अब बताओ 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 5 का स्क्वायर हम लोग स्क्वायर निकालेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे, तो इसी यूनिवर्सल ट्रूथ से जो है कैसे, यूनिवर्सल नियम से जो है सब में लगने वाला नियम से कैसे निकालेंगे, तो इसको यानी कि ये जो हमारा b है और ये क्या है a है, तो इसका स्क्वायर करने बोला था, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो यहां हो गया कितना 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25, 25 का कितना हो जाएगा 5 होगा, 25 का 5 हासिल 2, 25 का 5 हासिल 2। अब देखो 5 गुना 1 5 हो गया, 5 गुना 1 5 हो गया, और फिर 2 से गुना करना तो 5 दुना 10 हो गया, 10 और इसमें 2 जोड़ देना तो 10 और 2 12 हो गया, 12 का 2 हो गया, 12 का 2 हो गया, अब बचा हमारे पास कितना 12 का 2 हो गया, हासिल जो है 1 बज गया अब हमारे पास। अब जो है 1 का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों, 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हुआ और उसमें 1 जोड़ देना है तो कितना हो गया 2 हो गया। आपको लग रहा होगा जो डिफिकल्ट है, लेकिन डिफिकल्ट है नहीं, अभी देखो मजा आएगा। जैसे हम 3 का स्क्वायर कर दिए तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 3 का स्क्वायर कर दिए तो यहाँ हो गया 9। अब जो है ये दोनों को स्क्वायर करके जोड़ो, सॉरी दोनों को गुना करके जोड़ो तो 3 दुना 6, 3 को इससे गुना कर दिए 3 गुना 2 6, a गुना b को कर दो 6, और 6 को गुना कर 6 आया है ना, 6 को अब जो है 2 से गुना करो 6 दुना 12, 12 का 2 हो गया, हासिल 1 हो गया, हासिल 1 आपका आ गया। अब जो है 2 का स्क्वायर 4 और 4 है 1 5 हो गया, इसका मतलब 529 हो गया 23 का स्क्वायर। अब 27 का स्क्वायर में अगर हम बात करें तो यहां देखिए हम थोड़ा स्पीड में करते हैं इसको, 27 का स्क्वायर जो है 49, 49 का 9 हो गया, हासिल हो गया 4, हासिल हो गया 4, ये दोनों को 7 दुना 14, 14 दुना 28, 28 और 4 को जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा, 32 का 2 हो जाएगा, हासिल 3, 3 दुना 6, यहाँ जो है 2 दुना 4, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 2 दुना 4 और 4, सॉरी 32 का स्क्वायर 2 हो गया था, 32 हुआ था तो 32 का 2 तो हासिल 3 बज गया, तो अगला बार में यहाँ 3 दुना 6 और 3 9 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यह हो गया। अब जो है अगला अगर आपको हम बोलेंगे जैसे 72 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो चलो तो हम ही इसको निकाल देते हैं तो कैसे हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों बहनों 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और ये दोनों को गुना करो 7 दुना 14 को 7 दुना 14, और इसका डबल करो 7 दुना 14, 14 दुना 28, 28 28 का 8 लिखोगे आप, 28 का कितना 8 लिख दिया। अब जो है 7 का स्क्वायर लगा दो कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 14, और 14 इसका 28 का 8 लिखे तो हाथ में 2 था 14, 7 का स्क्वायर लिख दोगे तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 49 और 2 कितना हो गया 49, 2 51, इतना आ गया। अब जैसे हम 83 का अगर स्क्वायर आपको करने बोलेंगे तो किस तरह से करोगे, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों
9 हो गया, ई दोनों को गुना करो, 3 अड़तिया 24, 24 का डबल करो, 24 दुना 48, 3 का स्क्वायर 9, 24 दुना 48, 48, 48 का 8 लिख लोगे कितना, 48 का 8 लिख लिया। अब जो है 8 का स्क्वायर कर लो, 8 का स्क्वायर 64, 64 और जाके यहाँ 48 का किया था 8, तो हासिल 4 बचा था, 8 का स्क्वायर करोगे 64, 64 में 4 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 68। जैसे हम यहाँ 96 का अगर स्क्वायर आपको करने बोलेगा तो किस तरह से करोगे, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, 6 का स्क्वायर हो गया 36, 36, 36 का 6 हो गया हासिल 3 हो गया, 3 को बचा के रख दो, इन दोनों को गुना करोगे ना, गुना करके कितना हो गया 9 छोके 54 हो गया, 54 को 2 से 54 का डबल कर दिया तो 54 का 108 हो गया, 108 को 3 जोड़ देंगे तो 111 हो गया, 111 का 1 हो गया और हासिल 11 हो गया, हासिल 11 हो गया, 9 का स्क्वायर लगाया हमें 81, 81 में 11 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 92। तो मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों बहनों, यह आपका जो है स्क्वायर यानी यूनिवर्सल हो गया, ये सब में लगने वाला नियम हो गया, किसमें हो गया, सब में, सब में लगने वाला नियम हो गया। तो चलिए आज जो है मज़ा आया होगा, हमको लगता है बहुत मज़ा होगा आया होगा इसमें, और एक दो को ट्रिक है जो कि हम आप लोग को सोचते हैं अगला वीडियो में दे ताकि जो है आप लोग को अच्छा लगे, ठीक है। तो इतना ही आज के लिए, अच्छा है तो मेरे ख्याल से आप लोग जो है इसको क्या करना है, वन से लेके 100 तक लिख लेना है, 11 से लेके 100 तक लिख लेना है, ठीक है। तो 11 से लेके 100 तक, 99 तक लिख लोगे आप लोग, और 99 तक लिखने के बाद आप जो है स्क्वायर निकालोगे इसी तरह यूनिवर्सल यानी सब में लगने वाला नियम से जो आप स्क्वायर निकाल के हमको व्हाट्सएप में सेंड करोगे। अगर करते हो तो हमको लगेगा जो आप मेहनत करते हो, अगर नहीं करते हो तो इसका मतलब हमको लगेगा क्या, जो मेहनत नहीं करते हो। तो वही हम जिस तरह से बना के दिए मेरे प्यारे दोस्तों उसी तरह से आपको बनाना है। तो जितने भी मेरे अपने कोचिंग के स्टूडेंट हैं उनसे कहना चाहूँगा, जो कुछ ही दिनों में हम लोग का ऑफलाइन क्लास अब स्टार्ट होने वाला है, तो फिलहाल जो है कुछ दिन में स्टार्ट हो जाएगा अभी फिलहाल जो है, जो जो ऑनलाइन बेसिस में करते हैं कटिहार के, जो प्रॉपर कटिहार के हैं, तो अगर हमारे कोचिंग में ज्वाइनिंग होना चाहते हैं तो बहुत ही जल्दी हम लोग का कोचिंग ओपनिंग होने वाला है। यानी कि देखिए इस लॉकडाउन 25 तारीख तक तो भर चुका है, 25 तारीख के बाद क्या होता है, तो जैसे लॉकडाउन कुछ किया जाएगा उसके बाद जो हम लोग 10 क्लास का तुरंत जो है स्टार्ट कर देंगे। तो जो जो 10 क्लास के नए होंगे आप लोग जो है नहीं पढ़े होंगे, अगर जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत अच्छे से करवाएंगे। तो हमको विश्वास है इस बार का जो हम लोग का कोचिंग से सबसे अधिक नंबर यानी कि अच्छा नंबर लाया था उज्जवल कुमार, जो कि उसका नंबर है 427, बहुत ही अच्छा लाया, उतना नंबर ला के जो हम लोग का कोचिंग का नाम गौरव किया, बहुत ही अच्छा लगा। और ई कटिहार में हम लोग का जो है फर्स्ट टाइम था, इसीलिए जो है चलिए तो पर भी फर्स्ट टाइम में बहुत अच्छा किया, चूँकि लॉकडाउन में पिछले साल का हम लोग जो है 4 ही महीना पढ़ा पाए थे, 4 महीना में भी जो है हम लोग अच्छा से नहीं दे पाए थे, चूँकि हम लोग का एग्ज़ाम भी आ गया था, इसीलिए अब जो है कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी स्टूडेंट होंगे हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे और बहुत अच्छे से सिखाएंगे। तो 10 क्लास के लिए बहुत ही जल्दी क्लास स्टार्ट होगा, इसीलिए जो भी 10 क्लास के स्टूडेंट होंगे कृपया करके आप लोग जो है ना एक बार मेरा नंबर पे मिस कॉल कर दें या व्हाट्सएप में जो है ना आप अपना बता दीजिएगा, जो हमको हमको क्लास करना है सर, तो हम जो है आपको बता देंगे किनको किनको करना है, तो हम उस तरह से जो है लिस्ट अपना तैयार कर देंगे और जो है होगा तो हम जो है यूट्यूब में भी 10 क्लास का बहुत ही जल्दी सब वीडियो लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है नए नए वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।